तू चाहे। मेरा शादी का कोई मूड नहीं है फिलहाल। क्यों, तुम्हें कोई और पसंद है? जी बस यूं ही समझा। आपको मुझसे ज्यादा अपने घर वालों को पैसे भेजने की फिक्र है। अरे यार, वो भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। तो ठीक है, मुझे भेज दे, आप यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। तो जब उसके पास मुझे देने को ना इज्जत है और ना मोहब्बत, क्या जरूरत थी मुझे पैदा करने की? और तुम क्या दे रही हो उसे? क्या तुम ठीक से हक की बंदगी अदा कर रही हो? वैसे मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है कि आप जिससे ये छुप छुप के फोन पे बातें करती है ना, वो कोई और नहीं, आशिक। क्यों, ऐसा ही है ना? मेरी बात ना कान खोल के तुम सुने। खबरदार, जो तुमने अपने मुंह से इस तरह की बकवास निकाली, मेरे हाथों का तुमने मरना नहीं है ना, तो अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। ऐसी बकवास दोबारा नहीं करता, चल खाओ कसम। क्या आपका हाशिए के साथ कोई चक्कर नहीं है? क्यों खाऊं मैं कसम? और तुम होते कौन हो मुझसे कसमें खिलवाने वाले हैं? अपने काम से ना काम रखना सीखो। अभी ये जो मेरा दिमाग है ना, इसमें जासूसी पुर्जा फिट है, जो कि मुझे बता रहा है कि सलमान से रिश्ता तोड़ने में कहीं ना कहीं आपका जरूर हाथ है। वैसे आप हैं बड़ी चालाक। मजीद तुमने अगर बकवास की ना, अल्लाह की कसम इसी जूते से सर ना खुला ना तुम्हारा। क्या कर रही है पहने से? इस तरह करेंगी ना तो मुझे और भी शक हो जाएगा कि आप उससे मरो यहीं पर। मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं हूँ। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि अम्मा आशिक को कबूल नहीं करेंगी और ना ही ताई जान आपको। इंसान अच्छा सोचे, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखे, तो अल्लाह भी अच्छा करता है। और मुझे पक्का यकीन है कि वो जरूर मुझे डॉक्टर बनाएगा। तैयबा कितनी पॉजिटिव और पूरी उम्मीद है, जबकि उसके पास तो ना ही कोई जिंदगी की सहूलतें हैं और ना ही रिसोर्सेज, फिर भी वो कितनी पूरी उम्मीद रहती है। अरे तुम कब आई बेटा? आपा जी बस अभी आई हूँ। खीर दे आई हो ना सबको? जी जी, बस फसीहा ताई रह गई। अरे मुझे तो उस निगहत ने ऐसा बातों में लगाया कि पूछो मत। कौन सी बात है? अरे बेटा वही घरेलू इधर उधर की बातें और क्या होंगी। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ फरीदा कैसी है और तैयबा? पापा जी तैयबा कितनी पूर उम्मीद रहती हो ना। हाँ मेरा बेटा, बड़ी बहादुर लड़की है, हिम्मत वाली, और ऐसे लोग दुनिया में जरूर कामयाब होते हैं जो बहादुरी के साथ हालात का मुकाबला करते हैं। उसके तो माँ बाप भी जिंदा है ना, और भाई बहन भी ना। बेटा माँ बाप और अपनों का होना ये कामयाबी की जमानत नहीं होता। इंसान तन्हा इस दुनिया में आया है और तन्हा ही जाना। ये हिम्मत और हौसला तो इंसान के अपने अंदर से पैदा होता है, और उस वक्त जब उसे अपने रब के ऊपर तवक्कुल होता है। आपा जी तवक्कुल ही तो नहीं होता। अरे ऐसे नहीं आता तवक्कुल मेरा बेटा, कहने से नहीं होता, अमल करना पड़ता है, अमल। तो फिर आप बताएं ना क्या अमल करना पड़ेगा। देखो मेरी जान, जैसे इंसान अंधेरे में जा रहा होता है, एक उम्मीद के सहारे हाथ हिला हिला कर चलता है, बस इसी तरह पूरी उम्मीद होकर अपने आप को अपने रब के सपोर्ट कर दो, इस यकीन के साथ
कि वो कभी तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं करेगा। चाहे उसका ये फैसला इंसान के लिए बेहतर ना हो तब भी। यही तो तवक्कुल, ईमान और भरोसा है बेटा। बंदा ये सोचे कि उसका रब उसके लिए कभी कोई चीज गलत कर ही नहीं सकता। देखो माँ है ना, क्या वो अपने बच्चे के लिए कभी कोई बात गलत सोच सकती है? इसी तरह रब भी अपने बंदे के लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं कर सकता। भाई अब ये अलग बात है कि उसके फैसले को गलत समझ के वावेला मचाते रहे, लेकिन जब उसकी मसलहत समझ आती है फिर बंदा शर्मिंदा होकर खामोश हो जाता है। तो भी ठीक है, मैं ना अल्लाह ताला पर तवक्कल करती हूँ कि मेरा एडमिशन हो जाए, लेकिन अगर फिर भी एडमिशन ना हुआ तो इसमें भी कोई बेहतरी होगी? मेरी पढ़ाई खत्म हो जाने में क्या बेहतरी होगी? होगी, बिल्कुल होगी। अभी क्या बताया मैंने तुम्हें, समझ नहीं है ना, बाद में समझ आ जाती है। अच्छा चलो छोड़, जाके फसीहा को खींच दे आओ बेटा। भाई मैं तो एक ही घर में जाके थक गई हूँ, जा रही हूँ थोड़ी देर आराम करती हूँ। ठीक है। ये बुशरा कमबख्त इतनी छुट्टियां करती है और तनख्वाहें मुंह खोल के मांगती है। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ताई अम्मी वो पापा जी ने खत्म दिलवाया ना, तो उसकी खीर भिजवाई है आपके लिए। उधर रख दो। जी। तुम आजकल क्या कर रही हो? फिलहाल तो कुछ नहीं, एग्जाम्स खत्म हुए, अब एडमिशन का इंतजार कर रही हूँ। अरे तुमने इतना पढ़ के क्या करना है, लड़कियों के लिए तो एफए काफी होता है। अब मेरी अरीशा ने भी तो एफए किया, लेकिन बात होती है नसीब की, तालीम से नसीब नहीं बनता। सुनो मेरी काम वाली ना बहुत छुट्टियां करती है, बहुत तंग किया है उसने। तुम तो फारिग ही होती हो, आके मेरे घर का काम कर दिया करो, मैं तुम्हें उसकी पूरी तनख्वाह दूंगी। हाय हाय, नखरे तो देखो इसके, हमारे टुकड़ों पे पलती है, हमें ही आंखें दिखाती है। कब खत्म हो? मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है। क्या आप जिससे ये छुप छुप के फोन पे बातें करती है ना, कोई और नहीं? हाशिर है। एक बात ध्यान में रखना कि अम्मा हाशिर को कबूल नहीं करेंगी, और ना ही ताई जान आपको। मशल, चलो अच्छा हुआ तुम मिल गई, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूं। हो गया इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं कोई घटिया इंसान हूं? पापा के घर जा जाके बैठा रहता वो कुछ नहीं। मुझे पूरा यकीन है वो मशल के पीछे जाता है वहां पर। उसको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से हाशे को मशल की झोली में डाल दूंगी? हरगिज नहीं, हाशे सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, और उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती। देखा नहीं है तो देख लेंगे साथ। मशल। सलाम पापा जी। वालेकुम सलाम बेटा। जी करो जी करो। कैसी हैं? आओ बैठो। मशल इधर आ। ये देखो तुम्हारे लिए कॉलेज के प्रोस्पेक्टस और एडमिशन फॉर्म लेकर आया हूँ। आज ऑफिस से हारते करके यही काम करता रहा हूँ। जी तरह मेरा बच्चा, अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे।
कितना ख्याल रखते हो बिन कहे ही तुम इसका। मगर जब मुझे आगे पढ़ना ही नहीं तो आप फॉर्म्स क्यों लेकर? क्यों नहीं पढ़ना, इतने अच्छे नंबर लेके घर बैठी रहोगी क्या? जी घर बैठना मंजूर है लेकिन आपके एहसान नहीं लूंगी। इतना गुस्सा क्या हो गया, इतनी गवाह क्यों हो रही? एहसान आप करेंगे और सारी जिंदगी आपकी अम्मी जतलाती रहेंगी। मैं मजीद उनकी बातें और ताने नहीं सुन सकती। अच्छा तो अम्मी ने फिर कुछ कह दिया? अरे हाँ बेटा, फसीहा के पास खीर लेकर गई थी, अब खुदा जाने उसने क्या कह दिया इसको। वो कब नहीं कहती आपा जी, जब मौका मिलता है उन्हें अपने दिल की भड़ास निकाल कर ही दम लेती। अच्छा तुम उनको क्यों देखती हो, हमें देखो ना। उनकी बातों को जहन में लाने की जरूरत ही क्या, हमारे चचा की बेटी हो ना, बहुत हकमंद है तुम्हारा हमारे ऊपर। अब अगर ऐसी बात की ना तो मार खाओगी। चलो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, मैं तुम्हें खुद कॉन्टेक्ट कराता हूँ, जाओ। अरे जाओ ना बेटा, भाई जो कह रहा है कर लो, बल्कि काम करो तुम दोनों कमरे में जाओ और वहां बैठ के आराम से फॉर्म भर लो। यहाँ बेटा अभी बच्चे आ जाएंगे ना पढ़ने के लिए। चलो ये सुने, आज 15 तारीख हो गई है, अरमान ने पैसे नहीं भेजे। मैं गई थी बैंक, उन्होंने कहा पैसे पहुंचे ही नहीं। हाँ तनख्वाह लेट मिली होगी, भिजवा देगा। उबैद साहब मुझे लगता है इस बार पैसे भेजेगा ही नहीं वो। क्यों? क्यों का क्या मतलब, तुम्हारी वो बहू नहीं वहां पहुंच गई, वो पैसे भेजने देगी? चलो फोन करो उसे, पूछो उससे। तो तुम खुद बात कर लो ना उससे। मुझे नहीं करनी उससे कोई बात बात। अच्छा तुमने अपने बेटे से पैसे लेने लेकिन बात नहीं करनी। क्यों ना लूं पैसे, माँ हूं मैं उसकी, हक क्या मेरा उसके पैसे पर? तुम फोन करते हो कि नहीं? अच्छा करता हूं। अस्सलामुअलैकुम बबू। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो अरमान बेटा? जी मैं ठीक अल्लाह का शुक्र। और मेरी बहू कैसी है? जी वो भी बहुत खुश है। बेटा तुमसे एक बात कहनी थी, शादी के बाद रिश्तों में तवाजुन रखना चाहिए, तुमने अपनी माँ को फोन क्यों नहीं किया? अबू वो आप तो जानते हैं, सब कुछ हो जाने के बाद अम्मी इतनी नाराज थी कि मुझे उन्हें कॉल करते हुए डर लग रहा था। खैर कोई बात नहीं, तुम अपनी माँ से बात कर लेना। जी अबू। तुमने अपनी माँ के अकाउंट में पैसे भिजवा दिए थे? हाँ अबू वो दरअसल इस महीने खर्चा कुछ ज़्यादा हो गया था तो इसकी वजह से मैं नहीं करवा सका। अगर आपके पास हो तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी कर दें, मैं नेक्स्ट मंथ ज़्यादा पैसे भिजवा दूँगा। अच्छा ठीक है बेटा, मैं देख लूँ। ओके अबू, ख्याल रखिएगा। सिर्फ इस महीने ही नहीं, आइंदा कभी भी तुम घर पैसे नहीं भेज सकोगे। शम्मा चाची को तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी, याद रखेंगे, सारी अक्कड़ निकल जाएगी। बड़ा मान था ना अरमान की कमाई पर, ना अपमान रहेगा ना कमाई। उसकी कोई मजबूरी है, वो अभी नहीं भेज सकता, खर्चात बहुत। देखा मुझे यकीन था अरमान इस बार पैसे नहीं भेजने वाला, उस घटिया औरत की घटिया बेटी उतर आई ना अपने ओछेत कंडों पर। बदले की बजाय जरा मकाफात अमल के बारे में भी सोचो। क्या मतलब? शमा बेगम इंसान जो बोता है ना उसे इसी दुनिया में ही काटना पड़ता है। तुमने और फसीहा बाबी ने जो मेरी माँ के साथ किया क्या मैं वो भूल सकता हूँ? अरे हम दोनों भाई चंद हजार रुपए ही तो देते थे अपनी माँ को,
तुम लोगों ने फसाद खड़ा कर दिए। आज तुम्हारा बेटा उसी रास्ते पे चल निकला है जिस रास्ते पे तुम दोनों ने हम दोनों भाइयों को चलने पर मजबूर किया था। खड़ा कर दो मुझे कटहरे में, तुम बता दो मुझे, मैं ही मुजरिम हूं। जब तुम्हारा जमीर तुम्हें नहीं बता पाया तो मैं क्या बताऊंगा। एक बात याद रखना शमा, अल्लाह की लाठी बे आवाज है और अल्लाह के इंसाफ पर किसी को कोई शक नहीं। तो फिर दे दो मुझे सजा, मगर याद रखो वो पैसे मैंने तुम्हारे घर के खर्चे के लिए तुम्हारे बच्चों के लिए बचाए थे, उल्टा तुम मुझे ताने दे रहे हो। अगर फुर्सत मिले तो जरा सोचना तुमने किया क्या है। मेरे कहने की जरूरत नहीं है। बैठो, बैठ जाओ। देखो अभी एक एक स्पेस को बहुत ध्यान से फिल करना है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस पीछे लिखी हैं, ठीक है, कोई मिस्टेक ना। यहां से पढ़ के यहां ये लो, ये क्या हो गया, नर्वस क्यों हो रही हो? लाओ मुझे तो नाफी करो। नेम जैसे ही मौका मिले अपनी मोहब्बत का इजहार कर देना। मोहब्बत को जब तक जुबान ना मिले तो गूंगी बहरी रहती है। दूसरे को क्या खबर कि कोई उसे कितना चाहता है। मैं कभी भी इतनी बहादुर नहीं हो सकूंगी कि हाशिर को अपने दिल की बात बता दूं। अच्छा उस एड्रेस में क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही? कुछ नहीं छुट्टी, अपने दिल से सारे वहम सारी बदगुमानियां निकाल दो, ठीक है? हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत? हाँ मोहब्बत, क्यों हमारी मोहब्बत पे यकीन नहीं है तुम्हें क्या? मौका अच्छा है कह दो, तुम पर भी यकीन है और तुम्हारी मोहब्बत पर भी। ये मौका मत गवाना। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। ओए कहाँ जा रही है? वो पानी पीने। अच्छा जाओ मेरे लिए भी ले आना, बल्कि कप चाय भी बना लो, तुम्हारी हाथ की चाय का मजा ही कुछ और है। जाओ ने कश्मीरियों को नमाज जुमा ना अदा करने दी। डोडा और किश्तवाड़ से मजीद चार हुर्रियत रहनुमा गिरफ्तार। अल्लाह ही पूछे आपा जी, मेरा कमाऊं पूछ छीन के कंगलों के हवाले कर दिया, ऐसा बदला लिया, मेरे तो दिल से बददुआएं निकल रही हैं आपा जी के लिए। अबू वो कल सप्ली की दाखिले की आखिरी तारीख है तो फीस। माशाल्लाह कितनी फीस है बेटा? सिर्फ 5,000। 5,000 बेटा, हम तो सिर्फ फीस भरने के लिए रह गए, कभी पढ़ के अपना फर्ज भी पूरा कर दो। अब पढ़ तो रहा हूं और क्या करूं, अगर नहीं देनी तो वापस हट ले। बात सुनो, बच्चों पर खर्च करना हमारा फर्ज है, पर फर्ज को पूरा करते वक्त ताने नहीं देते, बच्चे का दिल ही खट्टा कर दिया। औलाद से अगर पूछ गछ ना की जाए ना तो सर चढ़ जाती। हेलो। हेलो। हाँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, मुझे कल तुमसे मिलना है, लाज़मी मिलना है। क्यों, खैरियत? खैरियत तो है, बस मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। ठीक है, लेकिन लेकिन नहीं ना, मैं कल सोफिया की तरफ जा रही हूँ और तुम मुझे वहां से पिक कर रहे हो। ओके कर लूंगा, बाय। या अल्लाह
मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। मैंने तुझसे सारी जिंदगी शिकवे की, मगर अब तुझ पर तवक्कल करके यकीन की सीढ़ी पर जैसे ही कदम रखा, मुझे तुझसे अपनाइयत का अजीब सा एहसास होने लग गया। अब समझ में आने लगा है कि आबा जी क्यों मेरे लिए तेरी मोहब्बत मांगती थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी आशिर कैसे मेरा एडमिशन करवा देंगे। पर यकीन है इसके पीछे तेरा अमर कौन है। या अल्लाह, जो बात मेरे दिल में है उस पर भी गुम कहते। बस सारी जिंदगी तुम्हें अपने सामने बिठा के ऐसे ही देख सकता हूँ, पता है, लेकिन तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। हंसती हुई अच्छी लगती हो तो बताओ ना, क्या बात है यार। विस्मा, क्या हो गया? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा है आशा के, हमारे बीच में सब कुछ बदल रहा है। तुम मुझसे वैसे प्यार नहीं करते जैसे तुम करते थे कभी। अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे साफ साफ बता क्यों नहीं देते? क्या साफ साफ बता दो यार, तुम्हें सब पता है साफ साफ क्या है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार, पर आज से नहीं हमेशा से, और हमेशा करता रहूंगा। कोई और नहीं आएगा मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा। फिर इतने सालों की मोहब्बत के बाद भी आज तुमसे यह सवाल करूँ, हैरत है। बिल्कुल एतबार नहीं करती ना मेरे ऊपर? एतबार करती हूँ लेकिन नहीं करती। अगर करती तो ये सवाल ना करती तुम मुझसे। और ये सवाल जो तुमने सोच के किया है ना, वो भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम जो समझ रहे हो बात वो नहीं है। मैं ये सब कुछ सिर्फ तुमसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्योंकि अम्मी आज फिर मेरा रिश्ता देखने गई है। इस बार अगर उन्होंने पक्का कर दिया तो क्या करेंगे फिर? मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम ये सब कुछ सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो। तुमने कब तक मुझे ऐसे इंतजार करवा के रखना है? क्यों लगता है कि मैं सीरियसली नहीं ले रहा हूँ सब कुछ यार? मैं सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। आई प्रॉमिस, जैसे ही सब कुछ ठीक होगा सबसे पहले काम मैं यही करूंगा कि तुम्हारे का रिश्ता लेकर आऊंगा। आई प्रॉमिस, वादा कर रहा हूँ यार। हेलो, तो ठीक करो अपना मूड। ठीक है, जल्दी थोड़ी बदल जाता है मूड। मैं करूँ? कुछ खाने के लिए गया था। कहाँ गया यार ये? इधर भाई, क्या चलेगा? क्या चलेगा यहाँ? मैं मिलता हूँ, चलेगा? ये बिल्कुल सही बात नहीं है। दस लाख का दुश्मन, ऐसी हस्ती रख। बेटा, माँ बाप कर दिया जितना अपनी औलाद की ना इत्तेफाकी और जुदाई को देख के अफसरदा होता है ना, इतना किसी और बात से दुखी नहीं होता। जानता हूँ आप। मैं तो यही कहती हूँ बेटा, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा खुदा के लिए। दोनों खानदान अपने अपने रंजिशें कदूरतें दूर कर दो बेटा, मिलजुल कर मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारो, खत्म कर दो नफरतें। जिंदगी बहुत थोड़ी है बेटा। पापा जी, आप हमारी बीवियों को अच्छी तरह से जानते हैं, और हम कितने बेबस हैं उनके सामने। जानती हूँ बेटा,
लेकिन एक बात याद रखो, अल्लाह ने मर्द को घर का हाकिम बनाया है ताकि वह दानिशमंदी से तमाम मामलात को सुलझाए, लेकिन जब वही मर्द अपनी ही लगाम बीवी के हाथ में दे देता है ना, तो फिर वही होता है जो तुम लोगों के साथ हो रहा है। आपा जी, आप ही बताइए हम क्या करें। देखो बेटा, मैं माँ हूं ना, तो समझा रही हूं, मैं मर गई तो कौन समझाएगा तुम्हें, अपनी अपनी बीवियों को समझा बुझा कर राजी करो, वापस की रंजिशें और कदूरतें मिटा दे। आज आपा जी के पास बड़ी देर लगा के आए हो। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ओ, अब बीमारी और इलाज के बहाने कुछ और निकलवाना होगा। कुछ तो शर्म करो, तुम्हारा दिमाग तो हर वक्त पैसे के बारे में सोच सोच कर पागल हो जाता है, कभी तो इंसान बनकर भी सोच लिया करो। आज कितने पैसे मांगे हैं या फिर कोई नई फरमाइश? फरमाइश की है मेरी मां ने कि तुम दोनों घराने प्यार मोहब्बत और सलूक के साथ रहो, लेकिन तुम तंग नजर छोटे जहन की मालिक को क्या पता कि मोहब्बत क्या होती। मोहब्बत मांगी है मेरी मां ने। कैसी मोहब्बत? भाई भाई और खानदान की मोहब्बत। देखो, दिलों में नफरत और कीना रखकर इबादतें भी कबूल नहीं होती, खुदा भी राजी नहीं होता। अल्लाह के प्यारे नबी ने सिला रहमी का हुक्म दिया है, मगर कितनी अजीब बात है, एक फरमान को झुठलाकर दूसरा पूरा किया जाए। नमाजें तो पढ़ी जाएं, मगर दिलों में नफरत भी हो। जैसे आपा जी तो जानती नहीं कि रंजिशें फैलाने में शमा हमेशा पहल करती है। हाँ, आपा जी ने तो जैसे बहुत मोहब्बतें फैलाई हैं, दोनों खानदानों में नफरतों का बीज बोया है तुम्हारी माँ ने। अरे, सारी जिंदगी बेटों को मुट्ठी में दबा के रखा और बहुओं को बुरा बना दिया। ऐसा कब कहा है आपा जी ने? ये नफरतें रंजिशें तुम दोनों की तरफ से हैं। एक बात याद रखना शमा, जो कुछ तुम मेरी मां के साथ कर रही हो ना, तुम्हारी बहुएं तुम्हारे बेटे वही कुछ करेंगे तुम्हारे साथ। क्यों 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 जी, वो क्यों करेंगे हमारे साथ? इसलिए कि ये दुनिया मकाफात अमल, तुम मानो या ना मानो अल्लाह बदला लेने वाला है। अच्छा अच्छा, डराओ तो मत, मुझे पूरा यकीन है मेरा हाशिर ऐसा नहीं करेगा। हमारी माँ को भी पूरा यकीन था, मगर हम बदल गए, अपनी बीवियों के हाथों में बस हो गए। अच्छा ठीक है, एक बार मैं सुलह कर लूंगी फसिया भाभी से, मगर पहल वो खुद करे तब। शमा कहीं मिलेगी ना तो सलाम ले लूंगी, सुलह हो जाएगी। एहसान करोगी हम? अरे यार, डट कर पैसे लगा, जितना खेलना आज ही खेल ले, बड़ा मजा आ रहा है। हमारा बुरहान शहजादा है, इसके पास पैसों की कमी है क्या कि ज्यादा लगा सारे पैसे? और क्या, ये ले, लगा दिए सारे पैसे। शहजादा Thank you.
यार ये क्या हो गया? अरे यार खेल है, हार जीत होती रहती है। आज तू हारा है, कल जीत जाएगा यार। बुरी सिर्फ मैं ही हूं, बाकी तो सारे यहाँ दूध के धुले हुए हैं। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे बाप की बातों ने सुबह से मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। क्यों, क्या कहा उन्होंने आपको? आपा जी से पट्टी पढ़ के आ जाते हैं और आके मुझे बातें सुनाते हैं। बात क्या हुई है, इतनी तपी हुई क्यों बैठी हैं? फसीहा बेगम से सुलह करने का कह रहे हैं। तो ये बात तो आपा जी हर वक्त कहती रहती हैं, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? मकफाते अमल से डरा रहे थे, कह रहे थे जैसा मैंने और फसीहा ने किया है आपा जी के साथ, वैसे ही हमारा बेटे और बहू भी करेंगे हमारे साथ। अब भला बताओ हमारे बेटे क्यों ऐसा करेंगे, हमने क्या किया? वैसे अम्मा बात तो सही कर रहे हो, अब तुम भी अपने बाप की जुबान बोलने लगी हो। पहला शक आपको उसी वक्त हो जाना चाहिए था जिस वक्त अरमान ने अपना रवैया बदला आपके साथ। हर महीने की पहली तारीख को पैसे भेजता था वो आप, और रोजाना फोन पे बात होती थी आपकी उससे। अब देखा है आपने, सातवें आसमान पे दिमाग है उसका, है कि नहीं है? वो कुटनी जो वहां पहुंच गई, उसी ने मना किया होगा कॉल करने से। जो भी मना करता है बदला तो मिल रहा है ना। मेरी बात सुने अम्मा, एक दफा अब्बा की बात मान ले, अपना रवैया बदल के तो देखे फसीहा ताई के साथ। अच्छा चलो मैं बदल लूंगी खुद को, और वो फसीहा? अगर आप अपना रवैया बदलेंगी हो सकता उनका दिल भी बदल जाए हमारे लिए, कोशिश तो करें। अच्छा चलो मैं कोशिश कर लेती हूँ, मगर अगर मगर की क्या बात है? अब अगर आपने एक अच्छा काम करने का फैसला किया है तो उसको करें एंड तक, इतना सोच क्यों रही है? मुझे लग रहा है तुम अपने बाप के साथ मिली हुई हो। हाँ, और आपा जी के साथ भी मिल गई होंगी मैं यकीनन। अच्छा बस कर, पहले मेरे सर में दर्द हो रहा है। लाएं, देखो। अल्लाह का शुक्र है आपा जी, अब आपका बुखार बहुत कम है। अरे बेटा मौसमी बुखार है, ठीक हो जाएगा। तुमने ऐसे ही घबरा कर उबैद को फोन कर दिया और वो दोनों भी चले आए। क्यों ना घबराती मैं, आपको जरा सा भी कुछ होता है ना तो मेरी जान पर बन जाती है। आपको पता है आप खुदा का सबसे कीमती तोहफा है मेरे लिए। आपको अगर कुछ हो जाएगा ना तो मैं तो मर ही जाऊंगी। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, अपने आप को मजबूत करो मेरी जान। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, कल को तो मैं अकेली मेरे बगैर। अल्लाह ना करे अपा जी, आपके बगैर मर जाऊंगी। लगता है कोई जज्बाती सीन चल रहा है, क्या हुआ? अपा जी क्या हो गया? छुट्टी ऐसे नहीं जाने दूंगा, बताओ क्यों रो रही हो? आपा जी को समझाए ना, मैं उनके बगैर अकेली कैसे रहूंगी, मुझे छोड़ के जाने की बातें करती हैं। आपा जी बात तो आपने वाकई गलत, लेकिन बेटा हकीकत तो यही। बस मान जाएं कि आपने गलत बात की, पर आइंदा आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, समझिए आप? अच्छा भाई अच्छा, नहीं करूंगी ऐसी बात। बस ये हुई ना बात, अब खुश? और मुझे छोड़कर जाने का कभी सोचेंगी भी नहीं, जैसा तुम कहो। अब खुश? जाओ गरम चाय बना के ला लो, जाओ। जी क्यों करती हैं आप ऐसी बातें? अरे बेटा चिड़िया से भी ज्यादा नाजुक दिल है इसका, सोचती हूँ मेरे बाद इसका क्या होगा। बाबा जी कुछ नहीं होगा, ना इसको ना आपको, क्यों ऐसी बातें करती है? हाशिम बेटा इसका बहुत ख्याल रखना, तुम इसके एहसासात को सबसे अच्छी तरह समझते। क्यों ऐसी बातें कर रही है? जरा सी आपकी तबीयत खराब हुई और आपने इतनी मायूसी की बातें शुरू कर दी। कुछ नहीं होगा बाबा जी, अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों का सलामत रखे। बेटा जीते रहो, खुश रहो।
आ जाओ बेटा खाना खाओ। भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं, खाओ बेटा। अच्छा हाँ, तुमने आज फीस जमा करा, रसीद दिखाओ। वो कल जमा करवा दूंगा। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि आज आखिरी तारीख। आप हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? कह रहे हो ना कि कल जमा करवा दूंगा तो करवा दूंगा। क्यों हर वक्त इसके पीछे पड़े रहते हो? इस तरह बच्चे बदजन हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। जिस तरह तुम उसकी हरकतों पे पर्दे डालती हो ना, उससे बिगड़ते हैं बच्चे। क्या हो गया छुट्टी? ऐसे नहीं जाने दूंगा, बताओ क्यों रो रही। कितनी अपनाइयत और मोहब्बत थी हाशर के लहजे में और उनके लम्स में। मशाल, देर हो रही है, चाय जल्दी लेकर आओ। जी अभी आई। चाहे